भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे, एक एक कदम जगह पे रुके क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी ओवरहीट हो गई है। बस देखो इंजन पे सुखा ने डाल था। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नीश एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलर नीश ब्लॉग। बहुत सारे रश है और अभी मैं हूँ मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे। जैसे कि आपने मेरे टाइटल में पढ़ा, मैं जा रहा हूँ माउंट मेरी चर्च जो कि फेयर है और यहाँ पे काफ़ी सारी रश है। बस भी यहाँ पे रहती है, ऑटो भी रहती है। मैं ऑटो ज़्यादातर पकड़ के जाऊँगा क्योंकि बस में काफ़ी रश है। ये बस जो स्पेशल फेयर के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे आप रश देख सकते हो, बहुत सारी रश है। एक अच्छी बात है कि आज धूप निकली है इतना टाइम के बारिश के बाद। चाचा यहाँ से ऊपर ना चले, इनके माँ की आँख ऑटो वाला मिल ही नहीं रहता साला। आधे घंटे से वेटिंग पे पड़ा था तब जाके एक ऑटो मिला। और ऑटो वाले भी साले जो रेट बोलते हैं ना, 200 रुपये 250 रुपये, जैसे कि इनके बाप का राज है। फाइनली चाचा मिले, 50 रुपये में लेके आए यहाँ पे। तो अभी माउंट मेरी में उतर गया, अब यहाँ से सीधा ऊपर चल के जाऊँगा तो माउंट मेरी आएगा। हटके 4 हो गए यार, आधे घंटे से रुका था, ऑटो ही नहीं मिल रही। क्या मीनिंग रहता है मतलब कैंडल के? अच्छा ये मतलब कपल शादी होने के लिए, ये घर के लिए, और घर के लिए ये कैंडल। ओके, अगर घर चाहिए तो, घर की विश हो तो, कोर्ट के लिए, अच्छा उसके लिए ये कैंडल। अच्छा प्लेन की, अगर फॉरेन की विश है तो उसके लिए वो कैंडल। ओके, के लिए, कान के लिए। अच्छा कोई फिजिकल अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये कैंडल्स। सर के लिए ओके। तो अभी जो देखे आपने वो मीनिंग थे, मतलब आपको अगर कुछ विश चाहिए आपकी कोई भी करियर के रिलेटेड या फिर फॉरेन कंट्री वगैरह सब कुछ भी विश हो तो उसके रिलेटेड आप कुछ भी कैंडल ले सकते हो, तो वो कैंडल आप ऊपर चढ़ाओगे तो आपकी विश जो है पूरी हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। इतने सक्सेस ले ले, सक्सेस तो का आएल? हाँ जॉब सक्सेस स्टडी। ओके मैं कैंडल कैंडल ही देने का, कैंडल भी दे सकते हो, आपको सक्सेस देना है वो दे सकते हैं, जॉब का है तो जॉब भी दे सकते हो। ओके जॉब के लिए, कोर्ट मैटर के लिए, डॉलर के लिए। अच्छा ये मतलब फॉरेन कंट्री विजिट के लिए। ओके तो सक्सेस के लिए कैंडल भी दे सकते हैं ना। ओके भाई कुछ कैंडल लिए है मैंने अपनी क्या बोलते हैं विश के लिए, लेट्स सी। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ही एक ही दे देना। थैंक यू, फ्री वाटर, फ्री ऑफ बैंड और फ्री वाटर। ये जो फेयर है ना ये हिल पे है और ये हिल बांद्रा स्टेशन से हार्डली 2.2 किलोमीटर है, इसके वजह से ऑटो और बस पे डिपेंड रहना पड़ता है। मैं तो सोच रहा था चल के आऊँ पर साला इतनी धूप में कौन चलेगा, इसके लिए ऑटो के चक्कर में पड़ा। नहीं तो चल के तो अपना हो जाता था, अब तक मैं आधे घंटे में तो पहुँच जाता था चल के। तो ये वो चर्च जिसके अंदर माउंट मेरी है, तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर। ये यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड है कि नहीं पता नहीं, बट उसके अंदर जाना है। पुलिस है, काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त है। देखो तो छोटे छोटे बच्चे भी सोल्ड कर रहे हैं। ये फ्लावर लिए मैंने समथिंग अबाउट 20 रुपीज़, अंकल घर लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी रश की शुरुआत हो गई है कि वहाँ से अंदर जाना है अपने को। अलाउड नहीं है, आप
आप सर पे कैप्स लेके नहीं चल सकते, और जो मदर मेरी उनके साथ आप सेल्फी नहीं निकाल सकते, बाकी फोटोज खींच सकते हो लेकिन वीडियो नहीं निकाल सकते। मैंने जैसे रिक्वेस्ट किया लेकिन फिर भी वो मना कर ही रहे थे। क्योंकि अपना तो यार कीड़ा है ना अपने में कि छोटा मोटा वीडियो तो बनता ही है, तो जो हुआ उसमें से आप सेटिस्फाई कर लेना। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी कैंडल्स ग्लो करते हैं, और वहाँ पे बड़ा सा पॉट है जिसके ऊपर कैंडल रखे रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैंडल जलाएंगे अभी। तो वो चर्च जहाँ पे माउंट मेरी है, इतनी रश है ना फिर भी धक्का बुक्की नहीं है बिल्कुल अंदर, लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे काफ़ी रश लग रही थी जब मैं स्टेशन पे था, यहाँ पर उतनी है नहीं पर ठीक ठाक है, और अपने को अच्छा खासा टाइम भी मिला सामने, मतलब तो कैंडल ब्लो करने का वहाँ पे था लेकिन फिलहाल के लिए वो बंद है, कुछ दो तीन दिन में चालू हो जाएगा। और ढाईगढ़ आज बारिश नहीं है यार, क्योंकि मुंबई में दो चार दिन से इतनी ज़्यादा बारिश थी और आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है। यहाँ पे थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचना चाहता था लेकिन 10 मिनट हो गए कोई चांस ही नहीं मिल रहा, इतनी रश है। यहाँ पे कैंडल्स है, आप 30 रुपीज़ से लेकर 200 300 तक कैंडल्स खरीद सकते हो। यहाँ पे हार भी है, तो माउंट मेरू को हार चलता है। देखा तो गर्म कैसे है, इधर ही बना रहा है क्या, इधर ही बना रहा है। अच्छा तो माउंट मेरी को करते हैं टाटा, और अभी चलते हैं समुंदर की तरफ, और थोड़ी देर बने रहेंगे वीडियो में तो और कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ मैं। ये मेरे चैनल के विजिटिंग कार्ड है, इतना देर से शूट कर रहा हूँ, इतने लोगों ने मुझसे विजिटिंग कार्ड लिया ना, आज तो मेरे 200 सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। ये कैसा है बेटा, ये 80 रुपये पाव? हाँ सही भाव बोलना यार, डिस्काउंट भी लूंगा मैं, पाव किलो पे डिस्काउंट लूंगा मैं। ठीक है दे देना, पाव किलो दे देना, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मुझे ही पसंद है ये। उनके चावल पे नाम लिखने का कितना? 50 रुपया। किचन लू क्या बाइक के लिए? बहुत सारी किचन हो गया मेरे पास। ये कैसा है मतलब? हाँ जिंदा ही है ना ये, मतलब तो इससे मतलब ये तो मुरझा गया है ना, इससे फिर आएगा कैसे? जिंदा है, इसमें जल है ना। हाँ कितने का है ये? 50 का 100 का। ये एक ये मतलब इसका एक हुआ है क्या, ये कितना बड़ा हुआ है? अच्छा ये दो पीस है इसके अंदर। तीन पीस कितना लंबा हुआ? अच्छा ना यार ढुलकी क्यों क्या करूँगी, कुटो बात बोल दो। मैं कब से सामने अरविंद सी विजिट करने जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है रोड पे, मेरा उतना ही टाइम जा रहा है इस पर। हाँ यहाँ पे काफ़ी रश है, और रश का रीज़न ये है कि यहाँ पे मन्नत बंगला है जो कि आप सबको पता ही होगा शाहरुख खान का बंगला है, तो वो यहाँ पे है। ये है बैंड स्टैंड और ठीक इसके सामने मन्नत बंगलो, इसके लिए पब्लिक अभी तो खैर शाहरुख खान तो घर पर होगा नहीं, तो पब्लिक रुकी क्यों है इतनी। आई एम एट बैंड स्टैंड जो है बांद्रा का काफ़ी फेमस एरिया है। खाने पीने के स्टॉल तो सीधा समुंदर के अंदर ही घुसड़ के रखे हैं, देखो मेरे पीछे सीधा, मतलब थोड़े देर के बाद मेरे को लगता है अंदर की तरफ ही जाएंगे, और जो मन्नत बंगले हो मेरे पीछे वहाँ पे। तो यहाँ से अभी निकलता हूँ मैं बीच से, और कुछ खाता हूँ क्योंकि जब से मैं हूँ तब से बाहर घूम भी रहा हूँ, कुछ खाया ही नहीं मैंने, कुछ खाता हूँ, बहुत भूख लगी है यार। भाई इतना बड़ा सैंडविच जाएगा कि नहीं पता नहीं, 100 रुपीज़ में। तो मैं ये एक जगह पे आया हूँ बैंड स्टैंड के जस्ट अपोजिट साइड में, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर रैंप है और हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे, और जो माउंट मेरी का जो चर्च है वो वहाँ दूर है, बैंड स्टैंड भी वहीं पे है। तो गाइज ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।